गाइस हम जा रहे हैं शॉपिंग पे और शॉपिंग पे बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं और भाभी और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं हमसे क्योंकि हम ट्रैफिक में फंसे हैं। और हमें दुकान भी नहीं पता टिकटॉक वाली कहाँ है, रोहिणी सेक्टर 7 में। तो कावे का आज ना कावे की शाम रात में बदलेगी। कावे कहाँ है अंकल को भी तो मैं कैसे कह रही हूँ जैसे तैसे पहुंच चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा घूम गए थे। पहली बार आए टिकटॉक शॉप पे, एक सामने भी टिकटॉक है, एक यहाँ पे भी टिकटॉक है और फिर इनसे पूछेंगे कौन सी शॉप है। इनने बताया इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बाकी सब कुछ। तो हम दिखा देते हैं कौन कौन आया है यहाँ पे। प्रिंस आया है, प्रिंस की मम्मी आई है, परी आई है, भाभी और आज बहुत ज्यादा गुस्सा है हमसे क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट आए हैं। भाभी बहुत ज्यादा इस लड़के की वजह से लेट आए हम। ये कावे की कावे की मम्मी ना वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है हमसे और बहुत ही ज्यादा। और ना कपड़े हम सारे लड़कों के लेने आए हैं, इसके सक्षम के, शानू के, कावे के और प्रिंस के और वंश के। तो हम सारे लड़कों के कपड़े लेने आए यहाँ पे। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं दूसरी बार मैं भी दो तीन बार आई, दो बार तीन बार आई। जब ही तुझे रास्ता पता था ना। तो सारे लड़के हैं जो हमारे घर के, सारे बच्चे तो नहीं है, बड़े हो गए, खैर मुझसे भी लंबे लंबे हो गए सारे भतीजे। और ये कपड़े देख रहे हैं, इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, पर मैं तो पहली बार आई हूँ। पर हमारी कास्ट में जितने भी लोग हैं सब यहीं के कपड़े पहनते हैं। तो अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं छोटे मोटे फंक्शनों के लिए कपड़े और फिर शादी के लिए भी यहीं से लोगे, शादी के लिए भी यहीं से शायद। शानू की सही मजाक बना रहे हैं इसके दोस्त, इसके भतीजे, कि आज शानू नहा के आया है। ये कह रहा है मैं सारे स्टोन खा जाऊंगा। वंश कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे सबने ले लिया एक एक जींस, एक एक लिया ना, दो दो लिया। तेरी मम्मी को नींद आ रही है लग रहा है, थक गई भाभी बाजार घूम घूम के। शिवा भाई भी ले रहा है अपने लिए, एक लेनी है, दो लेनी है, दो। हमने दो शानू के लिए लिया है और एक पापा के लिए लिया है। सिंपल कलर शानू की इतनी मजाक बना रहे प्रिंस और सक्षम कि ये रोज ना आते आपके बच्चे? ओ शिट, अभी नहीं बताना। रोज नहाता है? नहीं, अब तो शानू रोज नहा रहा है, घर आएगा ना तो हमारे घर तो रिकॉर्ड तोड़ोगे। रिकॉर्ड तोड़ोगे मेरी कसम खा रही थी। और प्रिंस, ओए ओए इसकी वो बता, जुराबों में से बदबू। इन्हें 10 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा, मैंने 1 हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ा। 1 हफ्ते का? अब ज्यादा ही मान ले, बैठ बोलिया। वो तो बैठो, तेरे को पता बच्चा खेलना तो ज्यादा चलता ही रहता है। पागल चलो भैया से वाली शॉपिंग तो फैशन थी। अब हम सामने जा रहे हैं, जैकेट वगैरह शर्ट टाइगर डमरू बोल भाभी आज ना बहुत ज्यादा होती नाराज हमसे, बहुत ढीली है ये, बहुत
इनका ढीलापन देख मेरा दिमाग ही देगा। तो हम अब इनके दूसरी शॉप पे आ गए, ये सामने थी। और यहाँ पे शर्ट वगैरह देखो कलेक्शन कितनी अच्छी है, और वहाँ पे जींस की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। और परी की जो मजाक बना रहे इसके भाई कि इसको ब्लॉग में नहीं ले रहे, पर मैंने सबसे पहले परी को लिया ब्लॉग में। परी यहाँ पे तो भीड़ हो रही है यार, बैग वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे, कोट वगैरह। मैं तो पहली बार आई हूँ। शूज, बेल्ट, तो सबकी जींस जो है कंफर्म हो गई। और अब वंश के लिए देख रहे हैं, वंश के लिए और सबके लिए शर्ट देख रहे हैं, सारे लड़कों के लिए। ओके फिर नहीं ना, पहले वो डिफरेंट है। जी दे दूंगा दूसरा, जी दे दो बस। बोल शर्ट्स समझ नहीं आ रही। कावे तुझे आई पसंद? ना मिला है। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, शर्ट वगैरह समझ नहीं आ रही, लगे हुए हैं बस अभी। कौन हाँ तो भाई कर रहा है। किलस गया तू? किलस गया और क्या किया, चिढ़ गया क्या बोल रहे? मैं ये बोल रहा आज शानू ना लिया ना, बहुत सुंदर लग रहा है। रिकॉर्ड तोड़ने के बाद 10 दिन बाद यहाँ पर देखो पहन के आया जींस और ये, और हमने इसी का व्हाइट कलर शानू के लिए लिया। सही लग रहा है, दिखाइयो भाई सामने से। टाइट तो नहीं है ना कमर से? हाँ। बाद में कंफर्टेबल है, उसको भी दिखा। सही है चलो। कावे को हमने बना दिया है, पहना दिया है डोरे का जोड़ा। कावे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जच गया। और कावे के भाई कह रहे हैं कि कॉफी या चाय चाहिए होगी, कावे भाई से लेंगे, वेटर लग रहा है कावे। वंश वंश क्या लग रहा है भाई, वेटर है? पालक की सब्जी लेके आ रहे हैं। सही लग रहा है कावे, अब ले ले, अच्छा लग रहा है, बेचती नहीं अच्छी लग रहा है। ये देख शूज भी पहन रखे हैं, जींस में चल जाएगी है मेरे। इतने कपड़े निकालने वाले में टिकटॉक में, अरे एक भी जोड़ा नहीं लिया, भी एक भी जोड़ा नहीं लिया, क्योंकि रेंज ज्यादा हो रही थी। इसका सीन मत लेना। क्या इसका सीन लोग है ना, सब्सक्राइब और बढ़ जाएंगे। है परी बुरी है। ओए तुम सबको एक बात बताऊं, प्रिंस इसका ना उबले हुए। ओए प्रिंस चार टाइम मारूंगी तेरा दांत ही फोड़ दूंगी। ओए इधर आ, इधर तो आ। ये तुम्हारा चाचा, ये पता क्या करके, सुन तो, अंदर चेंज करने गए ना जब, ये पूरे उधर चेंजिंग रूम में इतनी जुराबों की बात करके आ गया। क्या बोला तुम, सुना? तो हमें लगी थी बहुत अच्छी वो, और वहाँ पे वो लोग कपड़े खरीद रहे हैं। तो मैं, परी और नैना हम यहाँ पे आ गए अंकल की शॉप पे, और अंकल की शॉप का नाम ये है। तो अब हमने अंकल की शॉप से ऑर्डर किया है 2 प्लेट टिक्की, जो कि अभी बनी नहीं है। परी को भी भूख लग रही है, भूख लग रही है। कपड़े हमें टिकटॉक वाली शॉप पे समझ नहीं आए, तो उसके यहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी हम पहले टिक्की ले लेते हैं यहाँ से, और फिर जाते हैं उनके पास। सबसे बड़ा जकोरा पहले आ गया, वो भी आ रहे थे।
सारे ही आएंगे अब सारे ही आएंगे है पैसे नहीं गाइस हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आया पहली बार आए थे और कुछ भी नहीं समझ आया तो हम जा रहे हैं कौन सी है हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं अभी वहीं जाके पता चलेगा कौन सी जगह मुझे भी नहीं पता भाभी कौन सी जगह जा रहे हैं नहीं पता उनको भी नहीं पता शिव विहार बुद्ध विहार तो बुद्ध विहार में एक दुकान है जहाँ पे ब्लेजर वगैरह बनते हैं तो अब वहाँ जा रहे हैं क्योंकि शादी के अकॉर्डिंग चाहिए ना कपड़े और यहाँ पे समझ भी नहीं आया यहाँ पे हम जैसे कि हल्दी रसम होती है जब के लिए या डीजे नाइट के लिए ले लेते पर रेंज जो थी ज्यादा हाई थी और पसंद आने के भी ऊपर है पर पसंद भी नहीं आए जल्दी से कपड़े तो भैया भाभी के साथ कार में आए थे ना तो कार में सारे बच्चे बच्चे जा चुके हैं शानू मैं दोनों भाभियाँ पूजा भाभी और बोबी भाभी और दीदी है हम जाएंगे ऑटो उस कार में सारे बच्चों को भर दिया और वो चले गए मैंने ये भेजा तो गाइस हम बहुत दूर आ चुके हैं चलते चलते ऑटो नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो शानू को भूख लग रही है हम आए बर्गर क्लब पे तो यहाँ बर्गर लेने जा रहे हैं शर्म आती मुझे नहीं आ हम आ चुके हैं बहुत ही दूर से हम बैटरी रिक्शे में आए हमें वहाँ पे ऑटो ही नहीं मिला इन भैया भैया अपना नाम बताना सोनू मास्टर तो इनका हमने बहुत ज्यादा नाम सुना है कि बुद्ध विहार में है एक भैया वहाँ से कपड़े बनाते हैं हम वहाँ से तो हम पहली बार आए हैं लड़कों को बिल्कुल एकदम पुराने से नया सही कह रहा है तो हमने इनका बहुत नाम सुना था और आज हम आए पर शॉप बहुत ज्यादा अंदर है हम घूम भी गए थे अंधेरा ही बहुत है ये वाला तो पहले एक ही रेट में पहले हमें ऑर्डर तो देने दे जब भी तो पूछेंगे अब तो एड्रेस तो पूछ ले पहले बंदे फिर आना हो तो बंदों को बंदे हमसे पहले बहुत आते हैं इधर कितने तो अभी लास्ट हाँ पर ही कह रहे हमारा लास्ट ऑप्शन है क्योंकि हमें कहीं और कपड़े पसंद नहीं आ रहे और अभी सिलेक्ट कर रहे हैं ब्लेजर वगैरह बनवाएंगे अभी कावे ने एक शर्ट पहनी थी इसने उतार दी कावे दिखाइए शर्ट जैसे कि इन्होंने हमें सैंपल के तौर पे दिखाया है पूरा हैंडवर्क है तंदी के नाम से पूरा हैंडवर्क है और अभी ब्लेजर वगैरह बनवाएंगे ना भाभी ये शर्ट भाभी थोड़ा वो हो गई डिस्टर्ब गाइस वो देखो माता कह रही कृपया मांगे हमारे हटिया और हटिया पहली बार देखा है ऐसा लिखा हुआ किसी शॉप में गाइज यहाँ पे हमें बहुत देर हो गई कावे का तो पोपटी हो गया पहले हाँ मम्मी ऐसे लग रहा है पैंट कोट पहले पसंद कर लिया और फिर वो कैंसिल हो गया तो अब सबको ले रहे पैंट और शर्ट क्या हुआ कावे सही है नहीं जा पूरा ही पैंट अंदर घुसा लिया और ये तुमको सही नहीं लग रही शर्ट भाई नहीं जैसा वो अभी आपने जो इन्होंने डीजे ने पसंद करा इसी टाइप में कुछ दिखाओ नई चीज ये पहनी हुई लग रही है ये वाली शर्ट देखो इस रात के एक बज चुके हैं और हम आए थे 9:30 करीब आ गए थे ना शानू हम 9 या 9:30 के करीब आ गए थे और हमारे वहाँ पे कपड़े जो शानू कावे इन सब के जो कपड़े है ना वो फाइनल हो गए थे मेरे से ना हमारी हिंदी बोलते बोलते हमारी भाषा भी निकल जाती है कभी तो उसके बाद आने के बाद घर में फिर खाना वाना बनाया दीदी और मैंने मिलके बनाया दाल बनाई है और चावल बनाई है और रोटी बनाई है तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं होप करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और प्यारे प्यारे कमेंट करो
और आप लोग अपना वक्त निकाल के हमारे ब्लॉग्स के लिए कमेंट करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।